और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रुद्रपुर के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव देखने को मिला है। 20 लोगों की इसके चलते तबीयत बिगड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। कबाड़ी की दुकान में किसी का सिलेंडर का लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये रुद्रपुर के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुद्रपुर के आजाद नगर से जहां जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। देखिए स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें, आज रुद्रपुर के आजाद नगर से जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इस हादसे से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये पूरा मामला रुद्रपुर के आजाद नगर का है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुद्रपुर से जहां के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव होने से 20 लोगों की अब तक तबीयत बिगड़ गई है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें रुद्रपुर के आजाद नगर से जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसी खबर को लेकर हमारे साथ दुर्गेश संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं, दुर्गेश किस तरह से हादसा हुआ। दुर्गेश ने बताया साढ़े छह जी साढ़े छह बजे की ये घटना बताई जा रही। रात में 11 बजे उन्हें ये जो कबाड़ी था ये अपने घर पे लेके अपने कबाड़ स्थान पर सिलेंडर ले गया था, जिसका अभी जो जहरीली गैस है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। अभी तक फिलहाल 20 से 25 लोगों के हताहत होने की खबर आई है जी। इस समय सभी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें जिला अस्पताल भर्ती करा, जहां इनका उपचार चल रहा है। इसी बीच एसडीएफ किच्छा कौतुक मित्रा की भी हालत गंभीर है, जहाँ उनकी उपचार चल रहा है, और एनडीआरएफ के कुछ जवान भी इस रिसाव से उनकी भी हालत खराब है। बिल्कुल दुर्गेश, आप मोहल्ले में किस तरह का माहौल बना हुआ है और परिजनों का क्या कहना है इस बारे में? जी, इनके मोहल्ले में इस समय बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची है। सारे लोग अपना घर बार छोड़ के दूर चले गए हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और साथ में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ तत्परता दिखा रही है। प्रशासन भी अपना मुस्तैदी से कार्य कर रहा है जी। दुर्गेश, किस तरह से लापरवाही हुई इसके बारे में कोई जानकारी? कोई पुष्टि नहीं की गई है। दुर्गेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैम, बिल्कुल। दुर्गेश, किस तरह से हादसा हुआ इसके बारे में कोई जानकारी? जी, ऐसे अभी जानकारी मिल रही है। 11 बजे ये कबाड़ी जो था ये अपने घर पे एक सिलेंडर लेके आया था, जिसका थोड़ा ज्यादा रिसाव होने के उसने उसको बोरे से ढक रखा था, लेकिन जब उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ता रहा तो लोगों में जो अगल बगल के लोग थे उन्हें खांसी उल्टी शुरू हो गई। तो वह उपचार के दौरान अपने जिला अस्पताल नजदीक ही पहुंचे तो लोगों ने देखा तो यहाँ पे कुछ रिसाव हो रहा है। इसके चलते उन्होंने सूचना प्रशासन को दी, प्रशासन मौके में हरकत में आई और प्रशासन के सारे लोग वहां पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच गई। इसी के तत्परता से जो सिलेंडर था उसे सिटकुल के टांडा जंगल में ले जाके डिस्पोज किया गया, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की कि गैस कौन सा था। बिल्कुल दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संदीप संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। संदीप, कुमाऊं प्रभारी हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं, ये उनसे जान लेते हैं। संदीप जी, किस तरह का उपचार घायलों को दिया जा रहा है, किस तरह का उपचार वहाँ मरीजों के लिए दिया जा रहा है? घटना हुई है तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि गैस के रिसाव से ऐसी बहुत सारी पहले भी खबरें आती रही है कि गैस रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि रुद्रपुर शहर जो है वो सिरकुल का क्षेत्र है, जहाँ पर सैकड़ों इंडस्ट्रीज है, तो ये जो कबाड़ी की दुकान पे सिलेंडर रखा हुआ था तो इनका ये लोग कई बार गैस कटर के तौर पर भी इसका काम किया जाता है या दूसरी कई चीज ऐसी संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है गैस का। लेकिन जब गैस का रिसाव हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं रख रखाव ऐसा सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया होगा इसका, और इसलिए संभवतः गैस का रिसाव हुआ। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जनपद उधम सिंह नगर का जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है ये इतना मुस्तैद है। अभी आप देख रहे थे कि दो दिन पहले जो घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी, उस घटना के समय तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने कमान संभाली थी। आज कुछ इसी तरीके से आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने फटाफट उस सिलेंडर को ले जाकर के जो टाटा जंगल है उस क्षेत्र में जाकर के उसको नष्ट किया। लेकिन चूंकि रिसाव पहले से हो रहा था तो ऐसे में बहुत सारे जो उस
क्षेत्र के लोग रहने वाले लोग थे वहां उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल लेकर के जाया गया। और कुछ ऐसी भी खबरें आई जिसमें कि एसडीआरएफ की जो टीम के लोग थे जो राहत और बचाव कार्य कर रहे थे उनकी हालत भी बिगड़ी। इसी बीच एक और भी बड़ी खबर आई थी कि किच्छा से जो अपने कौस्तुभ मिश्रा जो एसडीएम है वो भी राहत और बचाव कार्य में वहां पर लगे हुए थे, तो उस गैस का प्रभाव उन पर भी पड़ा और जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनको भी जिला चिकित्सालय लेकर के जाया गया जहाँ डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए ये गैस का रिसाव तो हुआ लेकिन पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की सभी टीमें समय से पहुंच गई। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन फिर भी इसका प्रभाव धीरे धीरे काफी कुछ देखने को मिला है, लेकिन पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की वजह से इसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। संदीप जी, इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, कब तक मरीजों की हालत में सुधार हो पाएगा? कोशिश लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम यहां पर जुटी हुई है, उनको ऑक्सीजन, कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी दी जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ में धीरे धीरे कुछ लोग, क्योंकि ये गैस के जो रिसाव होते हैं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सांस, जब आप सांस लेते हैं तो उसके साथ गैस अंदर जाती है, गैस अंदर जाती है और अगर वो अनुकूल नहीं होती है शरीर के लिए तो वो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट दिखाती है, वॉमिटिंग होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अभी इनको उपचार की जरूरत है और उपचार किया जा रहा है, ऐसी कोई विशेष गंभीर स्थिति अभी तक नहीं आई। बिल्कुल संदीप जी, इस हादसे को लेकर मोहल्ले के लोगों का क्या कहना है, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? देखिए ये मोहल्ले के जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनमें अफरा तफरी का माहौल है कि जो गैस का रिसाव, अगर किसी को भी छोटी छोटी दिक्कतें हो रही, किसी को चक्कर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अस्पताल की तरफ पहले दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी दबे हुए जुबान से अभी लोग कह रहे हैं। हालांकि अभी तक जब मामला शांत हो जाएगा तब कन्फर्म होगा कि आखिर लोग विरोध किसका करेंगे, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही का एक बड़ा कारण है। जहां पर लोगों को एक दुकान पर अगर कोई सिलेंडर रखा हुआ है या गैस कटर के लिए किसी गैस का यूज किया जा रहा है या सिलेंडर रखा हुआ, तो आखिर वो लीक कैसे हो गया, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन इसकी जांच जरूर कराएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज ये घटना हुई है इसको लेकर के आसपास के लोग भी, जो लोग ये अवैध कारोबार करते हैं, कई बार लोग इन चीजों को महत्ता नहीं देते हैं कि सिलेंडर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, वो पुराना है नया है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट के लिए लोग कंफर्म नहीं करते हैं, तो लोग भी इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि आखिर हमारे पड़ोस में अगर कोई वारदात हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि आखिर हमारे पड़ोस में क्या कारोबार चल रहा है और क्या प्रशासन की निगाह में है ये। जी संदीप जी, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा इस हादसे को लेकर? अभी कोई गिरफ्तारी की बात नहीं है, अभी बात महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों को बचाने की कवायद करने में जुटा हुआ है। गिरफ्तारी करना या इसके बाद की जो चीजें वो बाद की चीजें होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि लोगों की जान किसी तरीके से ना जाए, लोगों को दिक्कत ना हो और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको समय पर इलाज मिल जाए। बिल्कुल संदीप जी, आगे हम आपसे अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है जहां गैस के रिसाव की वजह से 20 लोगों की तबियत बिगड़ गई है, फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज उनका जारी है। 20 लोगों की तबियत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला, ये पूरा हादसा गैस के रिसाव की वजह से हुआ और सांस लेने में लोगों को दिक्कतें बड़ी, राहत और बचाव कार्य जारी है, उपचार के लिए अस्पताल में लोगों को पहुंचा दिया गया है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।